जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, मैं आप सभी व्यूअर्स का हमारे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी के मासिक राशि फल के प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम चर्चा करने वाले हैं फरवरी 2022 के मासिक राशि फल की। यहां पर फरवरी 2022 में चार मुख्य ग्रह हैं, जिसमें सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह शामिल हैं। इनकी राशि में परिवर्तन होने वाला है और इसका प्रभाव आपके जीवन के हर क्षेत्र में पड़ने वाला है। फिर चाहे वो आपकी आमदनी हो, आपकी जॉब हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपका भाग्य, आपके जीवन साथी के साथ संबंध, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके खर्चे, जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इस राशि परिवर्तन से अछूता रहने वाला है। तो हम इसकी विस्तार से चर्चा आज के इस मासिक राशि फल के प्रोग्राम में करेंगे और साथ ही साथ आपको ऐसा उपाय भी निश्चित तौर पर बताएंगे जिससे आपके लिए फरवरी 2022 का जो समय है वो बेहतर बीते। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिख दें। पहली बार हमारे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी पर यदि आप आए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर आध्यात्म और ज्योतिष से संबंधित जो मदद है, हम यहीं से बैठे बैठे अपने 20 लाख से भी अधिक फॉलोअर्स की मदद कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, नोटिफिकेशन इससे आप हमेशा प्राप्त करते रहें। चलिए अब बिना विलंब के साथ चर्चा करते हैं फरवरी 2022 के मासिक राशिफल की। चलिए भक्तों, चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि यहाँ पर फरवरी 2022 का जो ग्रह गोचर है वो किस प्रकार होने वाला है। तो यहाँ पर जो पहला भाव है काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि का ये भाव है, ये मुख्य ग्रहों से वंचित है। इसके बाद जो द्वितीय भाव है वहां पर राहु देवता विराजमान है, ये वृषभ राशि का भाव है। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, ये सभी भाव मुख्य ग्रहों से वंचित रहने वाले हैं। और सीधे आठवें भाव में आपको केतु देवता अपनी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि राहु और केतु दोनों के एक तरफ कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। सीधा सीधा जो अर्थ निकलता है वो ये है कि यहाँ पर जो ट्रांजिट कुंडली है उसमें काल सर्प दोष लगा हुआ है और ये पूरे फरवरी मास में इसी प्रकार लगा रहने वाला है। यहाँ पर आगे हम लोग इसके विस्तार से चर्चा करेंगे प्रभावों की भी। तो आगे अब बढ़ते हैं और बात करते हैं नवम भाव की। तो नवम भाव में यहाँ पर महीने की शुरुआत में शुक्र है जो मार्गीय अवस्था में विराजमान है और उनके साथ मंगल ग्रह भी विराजमान है। इसमें शुक्र देवता यहाँ पर 27 फरवरी को राशि परिवर्तन करके मकर राशि के भाव में आ जाएंगे और मंगल देवता 26 फरवरी को यानी कि शुक्र देवता से एक दिन पहले धनु राशि से परिवर्तित होकर मकर राशि में आ जाएंगे। अब मकर राशि जो है वो शनि देव की उच्च राशि है, यहां पर मंगल जो है मकर राशि में आकर उच्च के हो जाते हैं। तो ये बहुत से लोगों के जीवन में बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। आगे हम लोग अगर चर्चा को बढ़ाएं तो शनि देव भी यहाँ पर विराजमान है अपनी राशि में और इस पूरे महीने मकर राशि के भाव में ही विराजमान रहने वाले। इसके बाद बात करते हैं सूर्य देवता की। तो सूर्य देवता यहाँ पर विराजमान है मकर राशि में ही और वो 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और वो बृहस्पति के साथ आकर कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे। साथ साथ यहां पर बुध देवता भी विराजमान है। अभी जो बुध देवता है वो 4 फरवरी से पहले तक तो वक्री अवस्था में थे मकर राशि में ही, परंतु 4 फरवरी के पश्चात वो मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे और इस पूरे महीने वो मकर राशि के अंदर मार्गीय अवस्था में ही रहने वाले। तो यहां पर इस पूरे महीने मुख्य तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं मकर राशि के भाव में तो शनि देव विराजमान है यहाँ पर, सूर्य
सूर्य देवता आधे महीने के लिए विराजमान है, बुध देवता पूरे महीने के लिए विराजमान है, और शुक्र और मंगल जो है वो महीने के अंत में आकर मकर राशि में आकर विराजमान होंगे। आगे के चर्चा को अगर हम बढ़ाते हैं तो मैंने बताया यहाँ पर कुंभ राशि में 11वें भाव में बृहस्पति और सूर्य देवता, यहाँ पर बृहस्पति देवता विराजमान है, तो सूर्य देवता है वो यहाँ पर 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके आए हैं, और इसके पश्चात जो 12वां भाव है वो मुख्य ग्रहों से वंचित है। तो ये काल पुरुष की कुंडली है फरवरी 2022 के लिए, और अब हम इसी के आधार पर चर्चा करेंगे फरवरी 2022 के मासिक राशि पर। चलिए भक्तों, यहाँ पर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि हमारे जो मीन राशि के जातक हैं उनकी इनकम की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है फरवरी 2022 में। इसके लिए अध्ययन करेंगे कुंडली के 11वें भाव का, जिसके मालिक है शनिदेव अपने ही घर में जो विराजमान है। यहाँ पर सूर्यदेव उनके साथ विराजमान है, जो कि प्रॉब्लम्स को खड़ा कर रहे थे, अड़चनों को खड़ा कर रहे थे, आपकी इनकम आपके पास नहीं पहुंचने दे रहे थे। इस परेशानी में राहत मिल रही है आपको 13 फरवरी के पश्चात, जब सूर्य देवता अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। अब इनकम तो इस केस में आपकी बढ़ जाएगी, परंतु उतना लाभ शायद आपको ना मिल सके खर्चों की दृष्टि से, क्योंकि सूर्य देवता अपने मरण कारक स्थान पर आ जाएंगे, दर्शाते हैं कि आपका जो कंपटीशन है वो आप पर हावी हो रहा है, जो आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। पहले सूर्य देवता इनकम को नहीं आने दे रहे थे, पैसे आपके अटक रहे थे, फिर चाहे कस्टमर्स आपके पीछे हट रहे थे पैसा देने में, या सैलरी आपकी लेट हो रही थी आने में, या किराएदार आपको टाइम पर पैसा नहीं दे रहे थे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी ये कि खर्चा बढ़ जाएगा आप लोगों का, जब सूर्य देवता 12वें भाव में आकर निवास करने लगेंगे। ये खर्चा स्वास्थ्य पर हो सकता है, ये खर्चा कॉम्पिटिशन से आगे निकलने की कोशिशों में हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल देवता जो कि हमारे लिए सेविंग्स के स्वामी हैं, उनकी भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु कर्म स्थल पर जब हम बात करेंगे। तो आइए अब यही चर्चा कर लेते हैं कि कर्म स्थल पर स्थिति कैसी रहने वाली है हमारे मीन राशि के जातकों के लिए। तो देखिए, मंगल देवता सेविंग्स के भी मालिक हैं, यहाँ पर भाग्य के भी मालिक हैं, कर्म स्थल पर विराजमान है, ये पहली बात आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात जो नोट करनी है वो ये है कि मंगल देवता अपने मित्र के घर में विराजमान है, और जहां पर वो विराजमान है यानी कि दशम जो भाव है वहां पर उनका दिशा बल सबसे अधिक है। अब तीसरी बात जो गौर फरमाने वाली है वो ये है कि मंगल की जो पहले दो मैंने आपको स्थितियां बताई, ये बहुत ही फेवरेबल बन जाती है, मंगल को बहुत बलशाली बना देती है। और यहाँ पर जो एक और बात के बारे में बताना चाह रहा हूं वो ये है कि शुक्र भी यहाँ पर विराजमान है। अब शुक्र आपके लिए मालिक है तृतीय भाव के और अष्टम भाव के, यानी कि एक मलिफिक प्लैनेट है, यानी यहाँ पर वो मंगल को पीड़ा पहुंचाते हैं। मंगल के वैसे भी वो दुश्मन है, आपस में जब दोनों ये दोनों ग्रह साथ बैठते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पर मंगल ओवर कॉन्फिडेंस दर्शा सकते हैं, या ऐसा दर्शा सकते हैं कि आप ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं अपने वर्क प्लेस पर। इस वजह से वर्क प्लेस पर कुछ घटनाएं ऐसी घट सकती हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाने, तो इस बात को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ओवर एम्बिशियस या ओवर कॉन्फिडेंट ना। ये अग्नि तत्व वाली राशि है, जो धनु राशि होती है, जो आपका दशम भाव है वो अग्नि तत्व की राशि है। यहां पर मंगल का जो कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। मंगल इतने प्रबल हो गए हैं कि ये आपसे कोई गलती करवा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अन्यथा ये मंगल बहुत अच्छे, बहुत आपको आगे बढ़ा सकते हैं जीवन में, तो दोनों के बीच में आपको एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। अगर नौकरी की आप तलाश कर रहे हैं तो नौकरी इस समय पर निश्चित तौर पर आपको नहीं मिल सकती है, परंतु थोड़ा ध्यान रखें, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए आपको। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ही फाइन लाइन है, उस लाइन को आपको क्रॉस नहीं करना है। लाइन से पहले बने रहेंगे
बिल्कुल, प्रगति कहीं भी नहीं जा सकती, हर हालत में आपकी प्रगति होना तय है, हर हालत में सक्सेस मिलना आपके लिए ये तय बात है, इसको आप निश्चित मान लीजिए। परंतु जहां आपने वो ओवर कॉन्फिडेंस की लाइन क्रॉस करी, वहां आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वहां पर शुक्र गलतियां कराएं। तो इस बात का ध्यान हमारे मीन राशि के जातकों को रखने की आवश्यकता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पूर्व बात करेंगे कि देखिए मासिक राशि पर में हम चर्चा करते हैं आपके जीवन के सभी पहलुओं की, पर फिर भी वो 40 से 60% तक ही सटीक होता है, क्योंकि बाकी जो भाग है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है जन्म कुंडली में विराजमान ग्रहों का। तो जन्म कुंडली में विराजमान जो ग्रह हैं वो भी अपना फल देंगे। आपकी प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है, अंतर दशा, महादशा, इन सब बातों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में, इन बातों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये इन बातों पर आप गौर जरूर फरमाएं, ध्यान जरूर रखें, वरना आप ये अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे परंतु लाभ आपको मन मार्फिक नहीं मिल पाएगा। आप जैसे जो भी भक्तगण ये महसूस कर रहे हैं कि जीवन में कर्जे से संबंधित परेशानी बनी हुई है, कर्जा नहीं आप चुका पा रहे हैं, या इनकम नहीं हो पा रही है, या व्यापार आपका फेल हो जाता है, या नौकरी नहीं मिल पा रही है, भाग्य साथ नहीं देता है, या एजुकेशन में अड़चने आ रही हो, या जीवन साथी के साथ तनाव बना हो, या परिवार में स्वास्थ्य अच्छा ना रहता हो, तो इन सब परेशानियों का जो सबसे अच्छा उपाय है वो ये है कि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन जरूर कराएं और उसके मुताबिक उपायों को करें। हमारे सिद्ध शनि मंदिर के गुरु रजनीश ऋषि जी, गुरु मारुकमणि जी, इनको वर्षों का अनुभव है, इसी प्रकार मैं भी यानी कि स्वामी राजर्षि आप सभी लोगों के लिए उपस्थित हैं। हमारे शनि पीठ मंदिर में वीडियो कॉल और फोन कॉल के माध्यम से आपको बताते हैं कि कौन से उपाय करना आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है, और आपके खराब ग्रहों के लिए हम लोग पूजा भी करते हैं ताकि आपकी परेशानियों का जल्द से जल्द अंत हो सके। तो हमसे अपॉइंटमेंट प्राप्त करने के लिए, अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराने के लिए, अपने लिए ज्योतिष के उपाय प्राप्त करने के लिए अभी स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आपको संपर्क करने की आवश्यकता है। और पीछे मत रहिएगा, क्योंकि विश्व के बहुत से लोग आज ज्योतिष का फायदा उठाकर अपने जीवन में तरक्की के मार्ग पर अग्रसर हैं, आप कहीं उस दौड़ में पिछड़ न जाएं, इसलिए आवश्यकता है जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट लेकर जन्म कुंडली का अध्ययन जरूर कराएं। जो कोई भी भक्तगण ये महसूस करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने की स्थिति में अभी वो नहीं है, फाइनेंशियल तौर पर कमजोर है, वो हमारे शनि मंदिर से सर्व कार्य सिद्धि अंगूठी को प्राप्त कर सकते हैं। ये अंगूठी बहुत ही कम कीमत पर हम आपको दे रहे हैं, और इसको गुरु रजनीश ऋषि जी विशेष तौर पर मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित करके, जागृत करके घर बैठे आपको प्रदान करते। तो घर पर ही आपको यह अंगूठी प्राप्त हो जाएगी, आपको तो बस धारण करनी है और इसके फलों का रसा स्वादन आपको करना है, यानी कि इसके फलों से आपको इंजॉय करना है। तो इस अंगूठी को आप घर बैठे जरूर प्राप्त करें और स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमें संपर्क अवश्य करें। जय शनिदेव। मेरा नाम संदीप कुमार, मैं किशनपुर कबीरहा जिला अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। मैं बहुत परेशान था और मैं यूट्यूब के जरिए गुरु रजनीश ऋषि जी चैनल पे गया और वहाँ से नंबर लिया और गुरु जी से बात किया। गुरु जी ने एक लॉकेट दिए और वो कुछ उपाय बताए, उसके जरिए एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। मैं गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो किसी भी परेशानी से भाई बहन हो गुरु जी के पास जाएं और अपनी परेशानी को बताएं, गुरु जी अवश्य समाधान करेंगे। जय शनि। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे भाग्य की। तो भाग्य के स्वामी आप लोगों के लिए मंगल देवता, मैंने बताया कर्म स्थल पर विराजमान है, केतु भी यहाँ पर विराजमान है कि जो कि दर्शाते हैं कि आपको कुछ फायदा हो सकता है, बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पर केतु आपको फल दे सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट इस समय पर अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकती है, स्थिति आपके लिए फेवरेबल है।
एक और बात का जो ध्यान रखने की आवश्यकता है वो ये है कि यहाँ पर मासिक राशि फल में काल सर्प दोष एक्टिव हो गया है। ये काल सर्प दोष उस हर बालक के जीवन में आने वाला है, हर संतान के जीवन में आने वाला है जिन्होंने जनवरी 2022, फरवरी 2022 या मार्च 2022 में जिन्होंने जन्म लिया है या जन्म लेने वाले हैं, उनको इस काल सर्प दोष का सामना अपने पूरे जीवन में करना पड़ेगा। तो भक्तगणों, आवश्यकता है कि जब आपके बच्चे जिन्होंने अभी जन्म लिया है वो वयस्क हो जाए तो उनके लिए आप काल सर्प दोष के निवारण के उपाय जरूर करें, अन्यथा आपके बच्चों को हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहने में परेशानी होगी। और ये काल सर्प दोष हर किसी को लगेगा जो इस समय में जन्म लेगा, जनवरी से मार्च 2022 के बीच में काल सर्प दोष से जरूर पीड़ित होगा, दिन का कोई सा भी समय क्यों ना हो काल सर्प दोष इस समय पर एक्टिव है। इतना ही फर्क हो सकता है कि वो आंशिक तौर पर है या पूर्ण रूप से काल सर्प दोष का सामना करना पड़ेगा, और कोई फर्क इसमें नहीं है। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से फिर समय कैसा है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ही थोड़ा चिंताजनक समय बना हुआ है मीन राशि के जातकों के लिए। कारण यह है कि बृहस्पति जो कि मालिक थे लग्न के, और साथ साथ सूर्य जो कि छठे भाव हेल्थ के मालिक के बने हुए हैं, वो दोनों ही 12वें भाव में आकर विराजमान हो गए। स्वास्थ्य को ये कमजोर कर देते हैं, डिजीज या बीमार पड़ने के लिए आपको ससेप्टेबल बना देते हैं, यानी कि इस समय पर बीमार पड़ने की संभावनाएं अधिक हैं। बहुत ज्यादा स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, खर्चे भी इस समय पर स्वास्थ्य पर बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावनाएं बनी हुई हैं हमारे मीन राशि के जातकों के। आगे चर्चा को बढ़ा रहे हैं, बात करते हैं जीवन साथी के साथ फिर संबंध कैसे रहने वाले हैं। तो जीवन साथी के साथ जो संबंध है उसके मालिक हैं बुध देवता, इस समय पर 11वें भाव में विराजमान है, अच्छे संबंध दिखा रहे हैं कि जीवन साथी के साथ इस समय पर फेवरेबल संबंध है। जो कोई भी थोड़ी बहुत अड़चने आ रही थी वो 4 फरवरी के पश्चात दूर हो सकती है जब बुध देवता पुनः वक्री से मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे, तो स्थिति और फेवरेबल हो जाएगी। जीवन साथी के साथ जो संबंध है और बेहतर होंगे, और वो आपके इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते हैं और आपके आपको नए लोगों से भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे आपके फ्रेंड सर्कल का विस्तार होगा। आगे चर्चा को बढ़ा रहे हैं, बात कर लेते हैं कि फिर एजुकेशन की दृष्टि से समय कैसा है। तो देखिए, एजुकेशन पर भाव पर पूर्ण जो दृष्टि बनी हुई है वो तो एक तो केतु देवता की यहाँ पर बनी हुई है, दूसरी दृष्टि बनी हुई है शनिदेव की। अभी दोनों ही चंद्रमा देवता के विरोधी हैं, चंद्रमा देवता के शत्रु हैं, यानी कि एजुकेशन की दृष्टि से थोड़ी सी अड़चने देखनी पड़ेंगी मीन राशि के जातकों को। ध्यान ना लगना या फिर सेटिस्फाइड ना होना अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है मीन राशि के जातकों को। माता पिता को आवश्यकता है कि बच्चों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, तो उनके कॉन्फिडेंस को आपको बूस्ट करने की आवश्यकता रहेगी, उनका समय समय पर गाइडेंस कर दें। चलिए भक्तों, बात कर लेते हैं उस उपाय की जिससे हमारे मीन राशि के जातक बेहतर महसूस कर सकते हैं, अच्छा समय बिता सकते हैं फरवरी 2022 में। तो इसके लिए आवश्यकता है कि आप बृहस्पति देवता को मजबूत करें, क्योंकि वो 12वें भाव में समय पर विराजमान है, और ऐसे जो बृहस्पति देवता है वो हेल्थ में अभी आपको सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका हेल्थ में सपोर्ट प्राप्त करने के लिए जरूरत है कि बृहस्पति देवता को मजबूत करें। सबसे अच्छा उपाय तो मीन राशि के जातकों के लिए यही रहेगा कि वो मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी या फिर पुखराज के उपरत्न की अंगूठी धारण करें, जो आप हमारे शनि मंदिर से ही प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। फिर भी जो फाइनेंशियल तौर पर कमजोर हैं, जो अन्य उपाय अपना सकते हैं वो ये है कि आप बृहस्पति देवता को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर बृहस्पतिवार के दिन आप जल अवश्य चढ़ाएं, और जल चढ़ाते हुए एक माला ओम नमः शिवाय और एक माला बृहस्पति देवता का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीन ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसका जाप करें। जल में चंदन जरूर डालें और थोड़ी सी हल्दी भी अवश्य मिलाएं, थोड़े से पीले फूल भी यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा उपाय आप लोगों के लिए रहेगा बृहस्पति देवता को प्रसन्न करने के। समय समय पर अपने गुरुओं का आशीर्वाद जरूर लेते रहें, अपने टीचर्स का आशीर्वाद जरूर लें, और यदि अब तक आपने जीवन में गुरु को धारण नहीं किया है तो आप हमारे सिद्ध शनि मंदिर से जो गुरु रजनीश ऋषि जी हैं
उनको अपना गुरु धारण कर सकते हैं। इसके लिए बस एक आवश्यकता है, info@shanidev.us। आपको स्क्रीन पर मेल आईडी दिखाई दे रही होगी, उस मेल आईडी पर आपको मेल करना है कि आप गुरु दीक्षा गुरुजी से प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम इसके बाद आगे की सभी प्रक्रिया को चालू कर लेंगे। ये एक निःशुल्क प्रक्रिया है, इसमें कोई फीस आपसे नहीं ली जाती। चलिए भक्तों, उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो अब तक आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। इसी मंगल कामना के साथ कि आपका समय सदैव अच्छा बीते, आपके परिवार में धन धान्य ऐश्वर्य की सदा स्थिति बनी रहे, ये हमारी मंगल मनोकामना है। और इसी कामना के साथ हम आपके साथ अब विदा लेते हैं। मुलाकात होगी अगले महीने, तब तक के लिए जय शनिदेव।